हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट टेक। गाइस, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हम यहां पे पिक कर रहे हैं जो कि है ड्राइवर से रिलेटेड। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर इस डिवाइस का ड्राइवर कहां से डाउनलोड करें, और कई बार कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं कि जो आपके सिस्टम में सिर्फ ड्राइवर की वजह से होते हैं। या तो आपको ड्राइवर्स अपडेट करने होते हैं या फिर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि ड्राइवर्स होते क्या है। दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर्स अटैच होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जरूरत होती है जो उनको ऑपरेट करने में हेल्प करता है, उनको वर्किंग करने में हेल्प करता है, और उन्हीं को हम कहते हैं ड्राइवर्स, जिनको हमको मैन्युअली कई बार इंस्टॉल करना होता है। विंडोज एक्सपी 7 विस्ता तक तो ऐसा होता था कि हमको हर हार्डवेयर के लिए एक पर्टिकुलर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था अपने सिस्टम में, चाहे वो ऑडियो हो जाए, चाहे वो ग्राफिक्स हो जाए एक्सेट्रा। यानी कि आपको अलग से एक सीडी या डीवीडी तैयार रखनी पड़ती थी कि जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ड्राइवर की सीडी या डीवीडी लगाएंगे और फिर सभी जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको वन बाय वन इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अब विंडोज 8 और 10 के बाद ये चीजें अपग्रेड हो गई हैं। अब काफी सारी डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जिनको जैसे आप प्लग करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। दैट मीन कि जैसे ही आप किसी डिवाइस को प्लग इन करते हैं अपने सिस्टम में, ऑटोमेटिकली उनके जो ड्राइवर्स हैं वो सिस्टम से, वो डिवाइस से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि एक ऑटो प्रोसेस है। लेकिन कई बार अगर वो डिवाइस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो आपको उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट सिनारियो देने वाला हूं यहां पर कि किस तरीके से, यहां पर काफी सारी चीजें जानने के लिए हैं क्योंकि आपको किसी भी चीज के ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। अगर सपोज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वेबकैम, हार्ड डिस्क या फिर वाईफाई अडेप्टर आप यूज कर रहे हैं तो उनके ड्राइवर्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी। काफी सारी प्रॉब्लम मेरे पास आ चुकी है जिसमें हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही, तो वहां पर ड्राइवर्स का इश्यू हो सकता है। जहां पर आप अपने ड्राइवर्स को अपग्रेड करके या फिर फर्मवेयर को वापस से इंस्टॉल करके उस हार्ड डिस्क को वापस से रीयूजेबल बना सकते हैं, तो यहां पर वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम यहां पे जनरल ड्राइवर्स की बात करते हैं जो आपके लैपटॉप से रिलेटेड है, ग्राफिक्स के, वाईफाई के एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके सिस्टम में कौन से ड्राइवर इंस्टॉल होने हैं। सपोज आपने अभी एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करी है, अब आपको उसके बाद ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करना है, सपोज आपको ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो वो सब चीजें आप कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में जो बोर्ड है, जो चिपसेट है या फिर जो प्रोसेसर है वो कौन सी कंपनी का है। इंटेल यूज कर रहे हैं, एएमडी यूज कर रहे हैं, वो कैसे पता लगाएंगे। आप अपने डिवाइस मैनेजर में जा सकते हैं, सिस्टम के विंडो प्लस आर दबा के यहाँ पे टाइप करेंगे devmgmt.msc, ठीक है, या फिर आप डिवाइस मैनेजर में भी जा सकते हैं माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके। यहाँ पर जितने भी हार्डवेयर या फिर डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में अटैच्ड है उन सबकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर ट्री व्यू को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस बता रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ, तो ये सब चीजें मेनली एसोसिएट होती हैं आपके प्रोसेसर से, आपके प्रोसेसर को कौन से ड्राइवर सपोर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये जानें कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपके पास एक प्रोसेसर का ऑप्शन आता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सपोज मेरा जो सिस्टम है यहाँ पे i5-6200U, यानी कि i5 6th generation प्रोसेसर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं फर्स्ट नंबर से ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि i5 या फिर i3 या फिर i7 जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका कौन सा जनरेशन आप यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर, जहां पर से आप जिस भी कंपनी का हार्डवेयर, जिस भी कंपनी का लैपटॉप, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं वहां पर जस्ट डायरेक्ट क्लिक करके आप उनके ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, यहां पर मैंने एक आर्टिकल यहां पे लिखा है जस्ट रिसेंटली, ये आर्टिकल जस्ट इस वीडियो के साथ ही पोस्ट करूंगा क्योंकि ये वीडियो एक और ये आर्टिकल एक दूसरे से लिंक रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ऑफिशियल ड्राइवर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। किसी भी स्पाम बेस्ड वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं ड्राइवर, हो सकता है कि आप वायरस डाउनलोड कर लें और फिर आप अपने सिस्टम का सत्यानाश कर लें, तो बेटर है कि आप जो भी मैंने यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड किए हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सपोज आपका सिस्टम डेल का है तो यहाँ पर डेल की वेबसाइट पर डेल के जितने भी
यहाँ पर प्रोडक्ट हैं और साथ ही साथ उनके मॉडल नंबर हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके ड्राइवर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ डेल पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स एंड डाउनलोड की आपके पास वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ पर जस्ट आपको अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट मॉडल है, सीरियल नंबर वगैरह है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे। अदरवाइज आप ब्राउज ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह नहीं पता है। यहाँ पर आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं डेल की, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टैबलेट कर रहे हैं तो टैबलेट, स्टोरेज, सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर एलईडी, या फिर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर जिस भी सीरीज का आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज जी सीरीज का कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर अपना लैपटॉप सिलेक्ट करके आप उसके ड्राइवर सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम उसी तरह सपोज आपका इंटेल का बोर्ड है, इंटेल का प्रोसेसर है, आप इंटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सभी ग्राफिक्स, वायरलेस, इथरनेट प्रोडक्ट्स, सर्वर प्रोडक्ट्स, इंटेल एनयूसी चिपसेट, प्रोसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज एंड फैब्रिक प्रोडक्ट, इन सबके आपको ड्राइवर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सपोज ग्राफिक्स के आपको करने हैं, ठीक है, ग्राफिक्स के मुझे यहाँ पे ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट, जिस तरीके से मैंने आपको डिवाइस मैनेजर में दिखाया, मैं i5 6th जनरेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा ग्राफिक्स फॉर 6th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ग्राफिक्स फॉर 6th जनरेशन की सभी ग्राफिक्स ड्राइवर मेरे पास यहाँ पे आने लगे हैं। और यहाँ पर आपके पास ओएस आ रहा है, कौन सी ओएस आप यूज कर रहे हैं और कौन सा बिट आप यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके। उससे भी ज्यादा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जैसे कि ग्राफिक्स यहाँ पे आपके पास आता है, तो यहाँ पर डिस्प्ले अडेप्टर में ये आपको बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन सा ग्राफिक है। तो डिस्प्ले अडेप्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंटेल HD ग्राफिक्स 520, ठीक है। तो यही ग्राफिक डाउनलोड करने के लिए आप प्रोडक्ट पे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको इंटेल HD 520 यहाँ पे शो कर रहा है, ये क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अब जो भी ड्राइवर्स आ रहे हैं वो आपके इंटेल HD ड्राइवर्स यहाँ पे आ रहे हैं 520 के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे OS आ रहा है और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर सबसे ऊपर आएगी जो भी आप ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी कंपनी यूज कर रहे हैं, जिस भी कंपनी को आप यूज कर रहे हैं, जिस भी मैन्युफैक्चरर की डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, उस पर आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे AMD पे मैं आ गया, तो AMD में सपोज आपको कौन से ड्राइवर चाहिए, चिपसेट ड्राइवर चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, यहाँ से अपना सीरीज यूज करेंगे, देन यहाँ से अपना मॉडल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं सबमिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं सभी के, यानी कि अगर आप चाहे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो, अपना सिस्टम यूज कर रहे हो, आपकी ड्राइवर की कंप्लीट प्रॉब्लम आई गेस आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी और आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज मैंने दी हुई हैं यहाँ पे सभी रेपुटेटेड कंपनीज दी हुई हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप जस्ट डिवाइस मैनेजर में जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी कंपनी का कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है। अगर बात आती है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की, तो जब आप उसको प्लग इन करेंगे अपने सिस्टम में तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगी डिवाइस मैनेजर में, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी हार्ड डिस्क आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में देखने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो आई गेस कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ड्राइवर आप इस तरीके से डाउनलोड करके इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब भी आप कोई ड्राइवर इंस्टॉल करें उसके बाद अपना सिस्टम रीस्टार्ट करें जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो गाइज आई होप कि आपकी प्रॉब्लम ड्राइवर्स की इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। लिंक मैं आपको इस आर्टिकल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर विजिट करके जितने भी ये आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर ड्राइवर आपको मिले आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।